दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसका हमारा टॉपिक है कि हम अपने चेहरे पे एक्सप्रेशंस कैसे ढूंढें, हाउ टू फाइंड एक्सप्रेशंस ऑन आवर फेस। वैसे तो एक्सप्रेशंस के ऊपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, बट क्या है कि क्लास में ट्रेनिंग के दौरान लोगों को सिखाते हुए कुछ चीजें नई सामने आई और भी बहुत से लोगों ने ये भी पूछा कि सर ठीक है आपने एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज तो बताई, बट हम अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे ढूंढें। तो कुछ चीजें जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में लोगों के साथ मेरे सामने जो मैंने देखी तो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा डिटेल्स में जाना चाहिए और ये चीजें शेयर करनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं उसी चीज के लिए बना रहा हूँ कि हमें अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन मिलेंगे कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं। हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन बनते हैं ये आंख नाक और ये सब, ये इसकी मूवमेंट्स। जब ये कुछ भी मूवमेंट होती है तो चेहरे पे भाव दिखाई देते हैं। और मैंने अपने क्लास में ट्रेनिंग के दौरान ये देखा है कि जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है और उसको मैं बोलता हूँ कि यार आप एक्सप्रेशन दो, तो वो क्या करते हैं, फील करना शुरू करते हैं, फीलिंग करते हैं। तो फीलिंग जब करते हैं तो अंदर से वो काफी कोशिश कर रहे हैं बट चेहरे पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या है कि एज एन एक्टर या फिल्म या टेलीविजन में आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं या क्या करते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रीन पे क्या दिखता है। आपने क्या फील किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके चेहरे पे क्या दिखता है वो इंपॉर्टेंट है। आपने फील किया बट यहाँ कोई हलचल या कोई मूवमेंट नहीं हुई तो आपकी फीलिंग नहीं दिखेगी, वो एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे। तो अंदर की फीलिंग भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि अंदर की फीलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अंदर की जो फीलिंग है उसके साथ साथ आपके जो चेहरा है इसकी जो मूवमेंट है आंख नाक होंठ इनकी जो मूवमेंट है वो भी जरूरी है। क्योंकि आपके जो फीलिंग है वो जो प्रोजेक्ट होगी एक्सप्रेशन के थ्रू वो उन मूवमेंट्स के ही थ्रू। और अंदर की फीलिंग और ये जो चेहरे की मूवमेंट ये दोनों को हमें सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। फीलिंग और एक्सप्रेशन दोनों चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमें इन दोनों चीजों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। होता क्या है जब हम फील करते हैं तो एक्सप्रेशन आते हैं और जैसे हम एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लेके आते हैं वैसी फीलिंग्स हमारे अंदर डेवलप होनी शुरू होती है। तो फीलिंग जरूरी है क्योंकि किसी इमोशन को काफी देर तक होल्ड करने के लिए फीलिंग की बहुत जरूरत होती है, बट उसको ढंग से प्रोजेक्ट करने के लिए ढंग से दिखाने के लिए आपको अपने चेहरे का इस्तेमाल भी आना चाहिए कि चेहरे के ऊपर वो दिखेगा कैसे। तो दोनों चीजों का एक सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि सेट पे जब हम काम करते हैं तो वहां बड़े टेक्निकल तरीके से एक्सप्रेशन मांगे जाते हैं कि सर गुस्सा दीजिए, थोड़ा सा सैड एक्सप्रेशन इमोशनल एक एक्सप्रेशन आप दीजिए, थोड़ा और अच्छा हाँ इसको यहाँ पे होल्ड कीजिए। अभी आपने वो एक्सप्रेशन दिया फिर वो कट करेंगे, कट करने के बाद अगला शॉट उनको लेना है एक घंटे बाद दो घंटे बाद या हो सकता कल करें या हो सकता चार दिन बाद करें, तो उसके कंटिन्यूएशन में जो भी शॉट रहेगा वो जब शॉट आप दोगे तो सेम वही एक्सप्रेशन वही फीलिंग वहीं से शुरू करना जहां से आपने छोड़ा। तो जैसे इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्रेशंस का जो वीडियो हमने शूट किया था उसमें ये बोला था कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, ठीक है वो अपनी जगह ठीक है, बट मिरर के सामने एक लिमिटेशन क्या है कि आप वहां पे कोई भी मोमेंट पॉज करके नहीं देख सकते। और आजकल क्या है कि मोबाइल में कैमरास हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग करके शूट करके उसको प्ले करके पॉज करके हम देख सकते हैं कि कब किस मोमेंट में हमारे चेहरे पे क्या दिखता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी 10-15 सेकंड के लिए अपने चेहरे को मूव करूंगा बिगाड़ूंगा और फिर हम उसको बीच बीच में पॉज करके देखेंगे। आप देखना कि हर पॉइंट पे आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई देगा और फिर हम अपने आर्टिस्ट के साथ भी वही चीज करके देखेंगे और वो जो एक्सप्रेशन दिखेंगे वो विदाउट फीलिंग विदाउट इमोशन होंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि यार इतने सारे इमोशन इतने सारे एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पे दिखते हैं, बस जरूरत है तो उनको ढूंढने की। और ढूंढने का यही तरीका है आप अपने चेहरे को मूव कीजिए उसको शूट कीजिए और शूट करके उसको पॉज करके देखिए बीच में। तो
हर पॉइंट पे आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई देगा, तो आपको भी दिखेगा यार इतने सारे एक्सप्रेशन। और फॉर एग्जांपल मैं अभी अपना चेहरा मूव करता हूँ और फिर हम उस मूवमेंट को पॉज कर करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये देखा आपने कि मैंने अपने चेहरे को कैसा मूव किया, बिगाड़ा अलग अलग से। और जब हम इसको बीच बीच में पॉज करके देखेंगे तो आपको हर पॉइंट पे एक अलग एक्सप्रेशन दिखाई देगा, और वो एक्सप्रेशन के पीछे कोई फीलिंग नहीं है, वो एक्सप्रेशन विदाउट फीलिंग है। इसका मतलब यह है कि हम बिना फीलिंग्स के भी अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन ला सकते हैं और बहुत सारे एक्सप्रेशन ला सकते हैं। जो एक्सप्रेशन हमें दिखाई देते हैं तो हमें खुद को लगेगा ये एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पे आता है, उसको पता ही नहीं था। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उन चीजों को ढूंढना है, कौन सी चीज कहां पे कैसे मिलेगी। और एज एन एक्टर सारे इमोशन, सारे एक्सप्रेशन, सारी फीलिंग्स हमारे पास है, हमें बस उन चीजों को ढूंढना है। तो एक्टिंग ट्रेनिंग में हम यही करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को ढूंढना है, कैसे उनको यूज करना है, यही हमें करना है। तो अभी हम देखते हैं अपने आर्टिस्ट के साथ, संजय के साथ देखते हैं ये एक्सरसाइज करके, और देखेंगे उसके चेहरे पे क्या क्या एक्सप्रेशन आते हैं। तुमको पता है तुम्हें क्या करना है? हाँ सर। ठीक है, तो पूरा फेस को जितना आप बिगाड़ सकते हो, जितना मूव कर सकते हो वो करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट। जो तुमने ये मूवमेंट किया संजय, तो एक्सप्रेशंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? सर ये एक्सप्रेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग कोई भी सामने से कैमरा लेके अपना वीडियो निकालते हैं तो एक अपने को अंदाजा होता है कि हाँ यहाँ रुकाने पर ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, सिर्फ फीलिंग लाने से वो एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा था। तो जैसे हम लोग ये एक्सरसाइज करने के बाद हमें पता चलता था कि हाँ डर का एक्सप्रेशन है, रोने का एक्सप्रेशन है, सब एक्सप्रेशन अपने आप खुद पता चलते थे। हमें खुद नहीं पता था कि ये इतना करने से इतने एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो आपके चेहरे पे आपको नए नए एक्सप्रेशन दिखते हैं, मतलब सिर्फ फीलिंग अगर करेंगे तो एक्सप्रेशन नहीं आते ना, फीलिंग करेंगे तो एक्सप्रेशन नहीं आते। हाँ मतलब आपको चेहरे का मूवमेंट जरूरी है। चलो ठीक है, तो मीन्स नए लोगों के लिए एक्सप्रेशन के लिए ये एक्सरसाइज बढ़िया है सर, है ना। तो अभी ये देखा आप लोगों ने कि हम जब ये चेहरे को मूव करते हैं, बिगाड़ते हैं, तो हर पॉइंट पे एक एक्सप्रेशन दिखाई देता है और उसके लिए फीलिंग की जरूरत है। तो ऐसे ही हमें अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है, ढूंढना है, और हर चीज, हर फीलिंग, हर इमोशन हमारे पास है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की। और इस एक्सरसाइज का एक और मैं बेनिफिट आपको बताता हूँ, जब आप इस तरह से ये जो मूवमेंट करते हैं ना, तो आपकी जो फेस की मसल्स हैं वो काम करती हैं और वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आपके चेहरे में एक पॉजिटिव चेंज आपको दिखाई देगा, एक ग्लो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ये चीज मैंने जब अपना स्टूडेंट्स को सिखाते हुए खुद महसूस की, मैं देखता था कि यार जब बंदा नया आया है तो चेहरे पे एक अलग टाइप का लुक दिख रहा है, जब हम कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और उसका चेहरे पे एक चमक आनी शुरू हो जाती है, पॉजिटिवनेस दिखनी शुरू हो जाती है, ये भी एक बेनिफिट है। अब जैसा कि हमने देखा एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने फेस को बिगाड़ना है, उसका एक वीडियो शूट करना है, वीडियो शूट करके उसको प्ले करके और पॉज कर करके देखना है कि किस जगह पे क्या एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपको अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे चेहरे पे ये एक्सप्रेशन, मुझे तो पता ही नहीं था। और जब वो एक्सप्रेशन देखेंगे आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा